सामने आया पंजाब कांग्रेस का घमासान। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू का विभाग बदला। कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे थे सिद्धू, कहा मुझे टारगेट कर रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री। सिद्धू ने पंजाब के सीएम के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा हार के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहा गया है जी कि मैं जिम्मेवार हूं शरीयत के हरम में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह को लेकर अकाली दल की चुटकी, कहा राहुल नहीं हारते चुनाव तो बदल जाता सीएम। राहुल गांधी ने अब तक बैठा देना था किसी और को कैप्टन की कुर्सी पे, वो खुद की इलेक्शन हार गए हैं, जिस करके अभी तक कैप्टन साहब अपनी कुर्सी में बने बैठे हैं। तो इनकी पूरी लड़ाई अभी, तो आप देखिए कि ये लड़ाई में कुर्सी के चारों पैर जैसे खींचे जाएंगे, तो ये उसी के भार पे ये कोलैप्स होगी। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका, टीआरएस में शामिल होने की तैयारी में 18 में से 12 विधायक स्पीकर को अर्जी दी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद एक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सभी राज्यों के प्रभारियों से मांगी हर सीट की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बताएंगी यूपी में हार की वजह, हर जिले में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। दलित वोट बैंक में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी की नई रणनीति, हर एक कार्यकर्ता को 1000 दलितों से संपर्क बनाने का लक्ष्य दिया। जल्द शुरू होगा बीजेपी का मिशन दलित, पहले फेज में उत्तर भारत के राज्यों पर फोकस होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आरएसएस का हवाला देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, कहा संघ से सीखो दृढ़ता, धैर्य और निरंतरता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी बंगले में रहेंगे अमित शाह, गृहमंत्री को अलॉट हुआ 6A कृष्णा मेनन मार्ग। कल अयोध्या जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, भगवान राम की लकड़ी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राम मंदिर को लेकर सरकार पर बढ़ने लगा दबाव, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अब वक्त आ गया। शिवसेना ने की जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनाने की मांग, परिसीमन कराए जाने पर भी पार्टी ने जोर दिया। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है शिवसेना, कहा यह पार्टी का अधिकार है। ये पद के लिए शिवसेना का नेचुरल क्लेम है, नैसर्गिक अधिकार है। हमने ये डिमांड नहीं किया कि हमें चाहिए या हमें दे दो। जब हमसे सवाल पूछा तो हमने कहा यह हमारा डिप्टी स्पीकर। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, कूच बिहार में कल हुई झड़प में जख्मी एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में 2 बीजेपी समर्थक गिरफ्तार, सिर में मारी गई थी गोली। उत्तरी 24 परगना में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, परिवार वालों को इंसाफ का भरोसा दिया। बीजेपी ने हत्या के आरोपों को खारिज किया, कहा प्रशासन पर खत्म हो गया है ममता बनर्जी का कंट्रोल। सरकार नाकाम हो चुकी है, शासन प्रशासन में कोई कंट्रोल नहीं है ममता बनर्जी की, इसलिए हर जगह खून हो रही है। बंगाल में हिंसा के लिए टीएमसी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, कहा पार्टी ने गुंडों को बनाया है कार्यकर्ता। टीएमसी बीजेपी को नहीं मार रहे, बीजेपी टीएमसी को मार रहे, हमला कर रहे। केवल शनिवार दिन 2 टीएमसी वर्कर बीजेपी के हाथ में मर्डर हुआ। आरएसएस और संघ को रोकने के लिए टीएमसी ने लॉन्च किया बंग जननी वाहिनी, सांसद काकुली घोष, दस्तीदार को दस्ते का जिम्मा। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का दस्ता है बंग जननी वाहिनी, दुर्गा वाहिनी से मोर्चा लेने के लिए गठन। बंगाल में टीएमसी बीजेपी के बीच सिर फुटव्वल के बीच चौंकाने वाली खबर, जेडीयू महासचिव प्रशांत किशोर बनाएंगे ममता की रणनीति। सूत्रों के अनुसार ममता से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने फाइनल किया डील, करीब 2 घंटे चली बैठक। जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, पार्टी ने ममता के साथ डील की खबर होने से पल्ला झाड़ा। बता सकते हैं कि ममता दी से मिले कि नहीं मिले, बात हुई, क्या बात हुई, क्या करना है, हम लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं है और कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं है। टीएमसी के सांसद ने अमित शाह पर सवाल उठाए, गृहमंत्री बनाए जाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप योजना का बदला नाम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कॉलरशिप होगा नया नाम। गहलोत सरकार के फैसले पर बीजेपी आग बबूला, कहा युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया था नाम। उन्होंने जो विचार दिया वो विचार
विश्व स्वीकार कर रहा है। उस विचार को दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाने का मतलब है कि उस विचार से को छोड़ देना है। गठबंधन में बनी रहेगी आरएलडी, कहा समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे सियासी रिश्ते। साध्वी प्रज्ञा पर खड़े हुए सवाल, एनआईए कोर्ट में नहीं हुई पेश लेकिन महाराणा प्रताप जयंती में शामिल हुई। एनआईए कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए साध्वी प्रज्ञा ने दी थी खराब तबीयत की बात कही थी, 7 जून तक हर दिन होनी है पेशी। बीजेपी के साथ पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम नकुलनाथ, एमपी बनने के बाद पहली बार पीएम से मिले। पीएम ने किया नीति आयोग का पुनर्गठन, राजीव कुमार बने रहेंगे अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह भी सदस्य होंगे। एससीओ की बैठक में भारत पाकिस्तान के पीएम के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत से भारत का इनकार, पाक के विदेश सचिव के भारत दौरे को निजी बताया। एससीओ की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी, दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी के लिए बातचीत होगी। आंतरिक सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, गृह सचिव एनएसए रॉ और आईबी की चीफ भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया, अमित शाह सभी समितियों में शामिल किए गए। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई कमेटी में 10 मंत्री शामिल, पीएम और अमित शाह भी सदस्य। घट सकती है आपकी ईएमआई, आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, 6 से घटकर 5.75% हुआ रेपो रेट। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में बवाल, खालिस्तान समर्थकों और एसजीपीसी टास्क फोर्स में झड़प। स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी, एसजीपीसी टास्क फोर्स ने रोकने की कोशिश की तो बवाल बढ़ा। स्वर्ण मंदिर में 2 गुटों में झड़प को लेकर सियासत तेज, हरसिमरत कौर बादल ने उपद्रवियों पर निशाना साधा। ऐसे लोगों को निकारना चाहिए, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो इस स्थान की पवित्रता को और पावनता को ऐसी चीजें करके भंग करते हैं। कोल्हापुर के महालक्ष्मी माता मंदिर में पहुंचे उद्धव ठाकरे, सभी 18 सांसद साथ रहे। डीएमआरसी में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की केजरीवाल की योजना पर घमासान, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले नहीं मिला कोई प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसानों का हंगामा, नकल नहीं मिलने से परेशान होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों में जोरदार मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग घायल। कुलगाम के मस्जिद में ईद की नमाज के बाद देखे गए लश्कर के 3 आतंकी, आजादी के नाम पर वसूली का खुलासा। नवी मुंबई में आईएसआईएस का संदेश देने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, पूछताछ जारी। 3 दिन से लापता एयरफोर्स के विमान AN-32 का कोई सुराग नहीं मिला, यूएवी के जरिए तलाशी अभियान में लगी है सेना। राजस्थान की बूंदी में पानी को लेकर हाहाकार, लोगों ने घंटों तक जाम लगाया। शिवमोगा में भी पानी को लेकर कोहराम, कांग्रेस और जेडीएस के पार्षदों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सटे गुरुग्राम की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। ग्रेटर नोएडा में 2 गाड़ियों की भिड़ंत, जलकर खाक हुई 1 गाड़ी। पंजाब के पठानकोट में 2 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप, नशे के ओवरडोज की वजह से मौत की आशंका। हरियाणा के जींद में ट्रैक्टर से टकराई इनोवा, 5 की मौत, 7 घायल, ईद मनाकर घर लौटते समय हादसा। मध्य प्रदेश के धार में तेज धमाके के साथ मोबाइल की बैटरी फटी, हादसे में बच्चे की मौत। पटना में पॉलिथीन की छापेमारी कर रहे एसडीओ पर हमला, सरकारी गाड़ी पर पत्थरबाजी और आगजनी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल से टकराई बस, हादसे में 2 की मौत, 6 की हालत गंभीर। यूपी के हरदोई में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 30 जख्मी। मैनपुरी में युवक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। मेरठ में 3 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में भिड़ंत, 288 पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया।
वेस्ट इंडीज ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कुल्टनाइल ने बनाए सबसे ज्यादा 92 रन, स्टीव स्मिथ के बल्ले से निकले 73। वेस्ट इंडीज की ओर से कार्लिस ब्रेथवेट ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, थॉमस रसेल और कॉटरेल के खाते में 2-2 विकेट। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच और थीम, कल पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे फेडरर और नडाल। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है गर्मी का सितम, कल से और बढ़ेगा तापमान। देखिए ये जो एक्टिविटी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, इसका असर सिर्फ आज तक है, कल से ये एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि डब्ल्यूडी निकल कर चला जाएगा और ईस्टर्ली विंड्स हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। राजस्थान में चढ़ते पारे ने लोगों को बेहाल किया, चूरू में 50 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आगरा में आसमान से बरस रही आग, ताजमहल पर घटी सैलानियों की संख्या। मध्य प्रदेश में गर्मी का कोहराम, छतरपुर में 47 डिग्री पर पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर मौसम ने ली करवट, शिमला समेत राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश, तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी का चार्ज खत्म करने के बैंकों को दिए निर्देश, एटीएम के चार्ज और फीस की भी समीक्षा होगी। एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 16 पैसे डीजल 34 पैसे प्रति लीटर सस्ता। रोजगार के आंकड़े, नए सिरे से जुटाने के लिए सरकार तैयार, रेहड़ी वालों की भी जाएगी गिनती। अब टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की मजबूती पता करना होगा आसान, ट्राई के मैप से मिलेगी जानकारी। टोयोटा ने लॉन्च किया मारुति सुजुकी बलिनो का नया अवतार ग्लैंजा, 7,22,000 रुपए है शुरुआती दाम। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस ने खरीदा 554 करोड़ रुपए का घर, न्यूयॉर्क में 17,000 वर्ग फीट में बना है 12 बेडरूम का मकान। 553 अंकों की भारी गिरावट के साथ 39,529 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 177 अंक गंवाकर 11,843 पर बंद। 120 रुपए की बढ़त के साथ 33,490 रुपए प्रति तोला हुआ सोना चांदी, 50 रुपए बढ़कर 37,900 रुपए प्रति किलो। अमेरिका से तकनीक और ट्रेड के मुद्दे पर विवाद के बावजूद चीन का नया ऐलान, सरकारी कंपनियों को दी 5G सेवा शुरू करने की छूट। ईद पर हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान ने किया सख्ती का दिखावा, लाहौर के स्टेडियम में नमाज की अगुवाई की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान की सेना ने अपने खर्च में कटौती का ऐलान किया, इमरान खान ने फैसले का स्वागत किया। अगले हफ्ते टूटेगा 40 सालों का इतिहास, ईरान जाने वाले पहले जापानी पीएम बनेंगे शिंजो आबे, अमेरिका से तनातनी को लेकर हो सकती है बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा खुले हैं सैनिक कार्रवाई के विकल्प। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सीरिया, वेनेजुएला और ईरान को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत होगी। चीन ने समुद्री पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया रॉकेट, 2030 तक अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कवायद। हांगकांग में हीरे की एक अंगूठी की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर नीलामी, करीब 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई बिक्री। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने लॉन्च की ड्रोन डिलीवरी सर्विस, 30 मिनट के अंदर ग्राहकों के पास सामान पहुंचेगा। दुनिया की सबसे अमीर गायिका बनी रिहाना, बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने बताया हाइएस्ट पेड वुमन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।